करनाल के सांसद संजय भाटिया द्वारा आज करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली 6 सड़कों का नवीनीकरण का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए संजय भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को उनके पार्टी के लोग भी सीरियस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उत्तर भारत में जाकर कोई बयान देते हैं और दक्षिण भारत में जाकर कोई बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल द्वारा अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर व अन्य शहीदों को याद नहीं किया, परंतु चुनाव के लिए वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा फूट डालने की नीति रही है और राहुल गांधी के बयान से ये बात सामने आ गई है। वही सांसद ने मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के सवाल पर कहा कि ये उस संस्था ने किया है जो संस्था स्टेडियम का निर्माण कर रही है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक देशवासी के दिल में बसते हैं और इस बात की हम सराहना करते हैं कि स्टेडियम का नाम देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर कई भाजपाई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु सचिवालय से। सांसद संजय भाटिया सड़कों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखते हुए उनके साथ जिला उपायुक्त, पार्टी के अध्यक्ष के अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत यह शुभारंभ किया जा रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी बने हैं, आप रोज ही देखते हैं कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य चल रहा है, और यहाँ तक कि जो पिछली सरकारों की घोषणाएं भी थी वो भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आने के बाद पूरी की। ये तो एक प्रक्रिया है, ये चलती ही रहनी चाहिए और ये चलती है। कितनी सड़कों का इसमें निर्माण किया? इसमें अभी 6 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका इन्होंने ओपनिंग कराई है। तो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, पब्लिक हेल्थ की है, काफ़ी कुछ। हालांकि कोरोना के कारण पिछले दिनों रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया पिछले साल में, लेकिन हम इस बात के लिए साधुवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को। उन्होंने पैसे की कमी कभी भी विकास कार्य को लेकर नहीं आने दिया। कुछ कार्य रुके पड़े हैं उसके बारे में? कुछ कार्य रुके हैं, वो भी जानकारी में आएंगे, वो भी हो जाएंगे। अगर आपके पास सूची है तो कृपया दे दीजिए उसको दोबारा। कितनी चौड़ाई रखी जाएगी सर सड़कों की? सड़कों की अलग अलग है जो डाइमेंशंस हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ की गाइडलाइंस आती है 18 फुट की भी हैं, 20 फुट की भी हैं, जो डाइमेंशंस हैं उस गाइडलाइंस के अनुसार से किया है। भाटिया साहब, क्या कहेंगे राहुल गांधी आजकल जो है उत्तर प्रदेश से उनका मन भर गया, वहाँ की जनता को कहते हैं कि वो केरला उत्तर साउथ में जाकर के रिफ्रेशमेंट जो है एक मैं समझता हूँ कि ये उनकी छोटी सोच है। जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो इतने साल अपने देश पे राज कर गए, कांग्रेस ने भी उसी नीति को अपनाया। जो हमारे शहीद थे, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों को तो उन्होंने कभी महत्व दिया नहीं। सत्ता के नज़दीक रहने वाले चापलूस लोगों को हमेशा उन्होंने बढ़ाई दी और फूट डाल के राज करा उन्होंने इतने साल तक, लेकिन देश का कुछ भला नहीं कर पाए। आज उनको तकलीफ है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा किया है, इस बात की उनको तकलीफ है। आज वो भाई को भाई से अलग करके उत्तर दक्षिण का मुद्दा बनाकर इस तरह से बांटने में लगे हैं। मैं समझता हूं कि उनको इमेच्योर हम ही नहीं, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं कि इमेच्योर हैं, और इस तरह की जो छोटी सोच है कांग्रेस की जो सोच है वो उनके माध्यम से लोगों के बीच में आ गई है। नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया गया, उसके बाद राजनीति हो रही है, राजनीति कर रहे हैं कि अपने नाम से नहीं। ये स्टेडियम बनाने वाली उस संस्था का या जो जिसमें सरकार का, उनकी अपनी भावना थी। नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप देखो कि पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा है, ये उनका अपना है जिन्होंने ये बनाया। मोटेरा जो मेरे का स्टेडियम था उन्होंने वो नाम रखा, ये उनकी अपनी सोच है। इसके लिए हम तो स्वागत ही करेंगे, और मोदी जी तो दिलों में बसते हैं, हर आदमी के दिलों में बसते हैं। थैंक यू सर। और ये तस्वीरें देख रहे थे आप करनाल के लघु सचिवालय से। सांसद संजय भाटिया ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत 6 सड़कों के शिलान्यास का उद्घाटन किया है।
उनके साथ जिला उपायुक्त के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता थे। संजय भाटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, जो स्टेडियम का नाम अहमदाबाद में रखा गया है, उसके बारे में भी कहा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।